दोस्तों, हमारे चैनल द अमेजिंग फैक्ट में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करते ही आपको हमारी सारी एक्टिविटी की जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, अब झारखंड में नौकरियों की बरसात हो गई है। कल भी एक विज्ञापन निकाला गया था जिसके बारे में हम बता चुके हैं, आज फिर दो नए विज्ञापन निकाला गया है। तो पहला विज्ञापन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये विज्ञापन संख्या 08/2017 है। इंडियन रिजर्व बटालियन सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2017। इंडियन रिजर्व बटालियन जनरल कांस्टेबल कंपटीशन एग्जाम 2017। दोस्तों, इसमें कुल रिक्त क्या है 2810, जिनमें जनरल के लिए पुरुष में 955 है, अनुसूचित जाति के लिए 183, अनुसूचित जनजाति के लिए 484, पिछला वर्ग यानी BC2 के लिए 100 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 के 161 है, वही महिला के लिए जनरल के लिए 471 है, अनुसूचित जाति के लिए 90 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 238 है, BC2 यानी पिछला वर्ग के लिए 49 है, BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 79 सीट है। तो टोटल BC1 के लिए 246 है मेल एंड फीमेल मिला के, BC2 के लिए 149 है मेल एंड फीमेल मिला के, अनुसूचित जनजाति के लिए मेल एंड फीमेल मिला के 722 है, और अनुसूचित जाति के लिए मेल एंड फीमेल मिला के 273 है, और जनरल के लिए मेल एंड फीमेल मिला के 1426 सीट है। अब इसमें देखते हैं पद का नाम, सामान्य आरक्षी इंडियन रिजर्व बटालियन, जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं। इसका वेतन जैसे हर झारखंड के वैकेंसी में दिखाया जा रहा है 52 से लेकर 20,000, पे ग्रेड 2,000 है, और इसमें क्वालिफिकेशन 10 क्लास मांगा गया है, ठीक है, लेकिन हिंदी विद्यापीठ देवघर से जो 10 क्लास की वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। और जनरल के लिए ऊंचाई दिया गया है यहाँ पर 160 और सीना 80 वही दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए मिनिमम 155 और सीना दिया गया है मिनिमम 79। अनुसूचित जाति के लिए 155 वही है, सेम है। BC1 के लिए 160 दिया गया है और BC2 के लिए 160 दिया है मेल के लिए, और सीना 81 जो रहता ही है, और महिला के लिए 148 है, इसमें सीना उना कुछ दरकार नहीं होता लड़की के लिए, ठीक है। उम्र की गणना यानी आयु 1 अगस्त 2017 से के आधार पर की जाएगी। तो न्यूनतम 18 ईयर चाहिए और जनरल के लिए मैक्सिमम 25 है, BC1 एंड BC2 के लिए मैक्सिमम 27 है, और झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी सैनिक को अनारक्षी यानी जनरल BC1 एंड BC2 महिला के लिए 28 है, अनुसूचित जाति अन्य के लिए 30 है। तो दोस्तों, अब देखते हैं परीक्षा का स्वरूप। तो ये 3 चरणों में एग्जाम लिया जाएगा। इसमें इम्पोर्टेंट करने वाले बात है कि पिछले विज्ञापन में CBT यानी कंप्यूटर आधारित एग्जाम होने वाला था, और इसमें OMRC आधारित यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। शारीरिक जांच जो होता ही है, चिकित्सा जी आमतौर पर होता है, ये सिलेबस सेम है, ठीक है। हम लोग सिलेबस आधारित एक वीडियो अलग से बना देंगे। देखिए, OMRC आधारित परीक्षा, इसमें 2 पत्र होंगे, पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा भाषा ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में वही सेम सिलेबस है, सामान्य ज्ञान से 40, झारखंड से 50 और सामान्य विज्ञान से 20, और मैथ इसमें ऐड किया गया 10 नंबर, ठीक है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, और भाषा में हिंदी व्याकरण इसमें 40 रहेगा, ठीक है, सामान्य व्याकरण से 20 रहेगा। इसमें दौड़,
पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में यानी 1 घंटा में, और महिला के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में। वो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये क्वालिफाइंग रहेगा सिर्फ, ठीक है, इसमें कोई मार्क वर्क नहीं रहेगा। दोस्तों देखिए एग्जाम फी इसमें घटाया गया, एग्जाम फी परीक्षा शुल्क 300 है जनरल और BC1 एंड BC2 के लिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 75 रुपीज़ है ऑनली, ठीक है, जो नॉट रिफंडेबल होता है। तो मेगा सी जी कैसे होता है, 40% जनरल के लिए मिनिमम, ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के 32 और BC1 के लिए 34 और BC2 के लिए 36.5 है और महिला के लिए 32% है। हाँ दोस्तों इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की 5 अगस्त 2017 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और अंतिम तिथि इसका 4/9/2017 5 बजे तक किया गया है, और परीक्षा शुल्क 8/9/2017 तक होगा और अपलोड फोटो अपलोड 10/9 तक रहेगा, ठीक है, और 4/9 के बाद परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए पुनः लॉगिन है पेमेंट कर ये पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको पहले IRBGC 2017 सेलेक्ट कर अपना स्टैंड डालकर ये भुगतान आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, फॉर्म भरिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल वीडियोज़ को शेयर करें ताकि अन्य व्यक्ति तक इनका लाभ पहुँचे। थैंक यू।